हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टूब कर पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग, क्लास आप सभी की स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे और एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है। सभी लोग बताएंगे भाई और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि सभी को पता चल सके कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी भैया शेयर कर दो और सभी लोग जुड़ जाएँ। बताएँ भाई, सभी लोग बता दें आवाज़ सही आ रही है, बताएँ। तो चलिए भाई, जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, कद देखना फिजूल है फिर आसमान का। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को करते हैं कंटिन्यू। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दिया गया परिवार से, वी दिया गया विद्यालय से, सी दिया गया सांस्कृतिक केंद्र से और डी दिया गया धार्मिक केंद्र से। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर एक के लिए। बताएं सभी लोग, सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर एक का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग शेयर कर दो, बताएं सही क्या हो जाएगा, बताइए प्रश्न नंबर एक के लिए बताएं क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, बहुत बढ़िया है, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बच्चे का जो सामाजिकरण का पाठ पहला पाठ होता है वो उसका परिवार से शुरू होता है। किससे होता है? परिवार से होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो दिया गया है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है बाल विवाह, वी दिया गया है दहेज, सी दिया गया बाल श्रम और डी दिया गया ये सभी। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर दो के लिए, बताओगे सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर दो के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई सभी लोग बता देंगे सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर दो का, बताएं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, कौन सा है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण, बताएं भाई सभी लोग क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर दो के लिए। और भैया सभी लोग शेयर भी कर दो, ठीक है, सभी लोग शेयर कर दें प्रश्न नंबर दो का सही आंसर क्या होगा ये भी बता दें। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, डी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, सभी यहाँ पर सामाजिक बुराइयाँ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन यहाँ पर दिया गया है, बच्चों में सामाजिक भावना और विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए दिया गया विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, वी दिया गया अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, सी दिया गया बच्चों का स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना और डी दिया गया है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर तीन के लिए, बता दो प्रश्न नंबर तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं, बताइए फटाफट से आंसर करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर तीन। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखना क्या हो जाएगा, जो सर्वोत्तम प्रयास होगा वो होगा आपका बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, तीन का सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर चार देखते हैं। दिया गया है, एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया गया है वर्ष 1950 के बाद बना रहना, वी दिया गया परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, सी दिया गया संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी और डी दिया गया है केवल पति पत्नी। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई प्रश्न नंबर चार के लिए बताएं सही आंसर क्या होगा। और सभी लोग भाई एक बार शेयर कर दो, जितने लोग जुड़ चुके हैं वो सभी लोग लाइक कर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर चार का। तो सभी लोग याद रखना, यहाँ पर वह परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे होते हैं वही आपका क्या होता है, एकल परिवार होता है। सभी लोग याद, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच दिया गया है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए दिया गया 21 वर्ष व 18 वर्ष, वी दिया गया 18 वर्ष व 21 वर्ष, सी दिया गया 18 वर्ष व 18 वर्ष, डी दिया गया 18 वर्ष व 16 वर्ष। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 के लिए, सॉरी प्रश्न नंबर 5 के लिए बताएं सभी लोग
सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का करेंगे सभी लोग, बताइए भाई। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, यहाँ पर सही हो जाएगा 21 वर्ष और 18 वर्ष। लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई है और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। वी दिया गया है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। सी दिया गया, वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। डी दिया गया, सुरक्षा एवं बच्चों का साक्षा उत्तरदायित्व। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के लिए, बता दो भाई। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। सभी लोग आंसर करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग। प्रश्न नंबर 6 के लिए कर दें सभी लोग आंसर क्या होगा भाई, बताएं सभी लोग। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, जो नहीं है वो बताना है, ठीक है, ये याद रखना है। कौन सी है नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न की जाती है, ये यहाँ पर परिवार की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया प्रश्न नंबर 7, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है। ऑप्शन ए दिया गया औपचारिक, वी दिया गया अनौपचारिक, सी दिया गया सापेक्ष। इन्हीं तीन ऑप्शनों में से आप सभी को बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भाई। प्रश्न नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे सही क्या हो जाएगा, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, सभी लोग बताएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, ठीक है। कैसा साधन है, अनौपचारिक है, क्योंकि यहाँ पर ना ही आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, ना ही आपकी समय निर्धारित होता है कि कब क्या सीखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, सभी लोग याद रखना, ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, परिवार का अनिवार्य कार्य है। ऑप्शन ए दिया गया प्रजनन, वी दिया गया है गाना बजाना, सी दिया गया सेवा करना और डी दिया गया है कर्तव्य करना। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 8 के लिए बताओ भाई सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। और सभी लोग शेयर कर दो भाई, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, तो सभी लोग याद रखना प्रजनन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रजनन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, पारिवारिक विघटन, पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण है कौन सा है। औद्योगिकरण, वी दिया गया बच्चे होना, सी दिया गया धार्मिक होना और डी दिया गया एक साथ रहना। बताएं भाई सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं प्रश्न नंबर 9 के लिए बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। तो सभी लोग याद रखना, जो लोग यहां पर औद्योगिकरण कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं कौन कौन, एक पीढ़ी के सदस्य, दो पीढ़ी के सदस्य, कई पीढ़ियों के सदस्य, चार पीढ़ी के सदस्य। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 10 के लिए बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा और सभी लोग बताएंगे, कमेंट करते रहेंगे सभी लोग सही क्या हो जाएगा, बताइए, बताएंगे सभी लोग सही आंसर क्या होगा। चलिए तो सभी लोग याद रखना यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन, कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं उनको संयुक्त परिवार कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11,
दिया गया है एकांकी परिवार का आधार है। ऑप्शन ए दिया गया है छोटा, वी दिया गया बड़ा, सी दिया गया निश्चित, डी दिया गया अनिश्चित। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के लिए, बताओ सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग, सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया मेरे 11 का लिए सभी लोग याद रखना यहाँ पर छोटा हो जाएगा, एकाकी परिवार का आधार होता है छोटा होना, है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। दिया गया परिवार के बाद पति के पत्नी के घर रहने वाले परिवार को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया पितृ स्थानीय परिवार, वी दिया गया मातृ स्थानीय परिवार, सी दिया गया है संयुक्त परिवार और डी दिया गया एकांकी परिवार। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 के लिए, बताओ सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। विवाह के बाद पति के पत्नी के घर रहने वाले परिवार को क्या कहते हैं, बताइए भाई सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 12 के लिए सही क्या हो जाएगा, बताएं। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना ऐसे को कहते हैं मातृ स्थानीय परिवार, यानी कि माता के यहाँ जो रहते हैं वो होते हैं मातृ स्थानीय परिवार, यानी कि बच्चे के जो पिता हैं वो कहाँ रह रहे हैं, बच्चे की माता के परिवार में रह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 दिया गया है। परिवार का वंश पिता के नाम से चलने वाले परिवार को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया पितृवंशी परिवार, वी दिया गया मातृवंशी परिवार, सी दिया गया पुत्रवंशी परिवार और डी दिया गया पुत्रीवंशी परिवार। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई प्रश्न नंबर 13 के लिए बताएंगे सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग बता दो भाई प्रश्न नंबर 13 के लिए बता दें सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। और सभी लोग शेयर भी करते रहिए, बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखना प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पितृवंशी परिवार, कैसा होगा पितृवंशी परिवार हो जाएगा, ठीक है। पिता के नाम से चलने वाला परिवार कैसा होता है, पितृवंशी परिवार होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया पितृसत्तात्मक परिवार, वी दिया गया मातृसत्तात्मक परिवार, सी दिया गया है संयुक्त परिवार और डी दिया गया एकांकी परिवार। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के लिए, बताएंगे सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई सभी लोग बताएंगे और सभी लोग शेयर भी करते रहेंगे भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं प्रश्न नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग सही क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई याद रखना परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को क्या कहा जाता है, तो मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है, सभी लोग याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस परिवार में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो उस परिवार को कहते हैं। इन्हीं दो ऑप्शनों में से बताना है, बहुपति विवाही परिवार, वी दिया गया बहुपत्नी विवाही परिवार। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 के लिए, बताओ सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई बताइए, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है जिस परिवार में स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी होती है, ठीक है। जैसे कि द्रौपदी जी अनेक पतियों की पत्नी थी ना, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 का जो लोग ए आंसर कर रहे हैं बहुपति विवाही परिवार, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, तो वो होगा बहुपत्नी विवाही परिवार, जिसमें एक पति की कई सारी पत्नियाँ होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों वाले परिवार को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया संयुक्त परिवार होता है, वी दिया गया है मूल परिवार होता है,
सी दिया गया है विघटित परिवार होता है और डी दिया गया है संगठित परिवार होता है। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के लिए, बताओ प्रश्न नंबर 16 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें, बताइए भाई प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई याद रखना, पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों वाले परिवार को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर मूल परिवार होता है। कैसा परिवार होता है भाई, मूल परिवार होता है, सभी लोग याद रखना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 दिया गया, परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए दिया गया जॉनसन, वी दिया गया ग्रीन, सी दिया गया लूसी मेयर और डी दिया गया रूशेक। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 के लिए, बताओ सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो सभी लोग याद रखना 17 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूसी मेयर, ठीक है लूसी मेयर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 दिया गया, संगठन और आकार के आधार पर विभाग के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए दिया गया 3, वी दिया गया 2, सी दिया गया 4 और डी दिया गया 5। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 के लिए, बताओ। तो भाई सभी लोग जानते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकल परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार होता है, दो प्रकार के परिवार होते हैं, ठीक है सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बढ़िया जो लोग बी आंसर कर रहे हैं। आगे देखते हैं, परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया गया रूसेक का, वी दिया गया डॉक्टर दुबे का, सी दिया गया लॉक का और डी दिया गया है एंडरसन का। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 के लिए, बताओ मैं सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 19 का, सभी लोग बताएंगे सही क्या हो जाएगा। तो रूसेक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूसेक बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ऑप्शन ए दिया गया परिवार, वी दिया गया गांव, सी दिया गया बच्चे और डी दिया गया राजा। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 के लिए, बताओ सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना है यहाँ पर परिवार बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है परिवार बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, किस दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है। ऑप्शन ए दिया गया है व्यापार, वी दिया गया है कार्य कुशलता, सी दिया गया जागरूकता और डी दिया गया इनमें से सब कोई नहीं। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 के लिए, बताओ सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाए, बताइए किस दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना यहाँ पर कार्य कुशलता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्य कुशलता सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, संयुक्त परिवार में किसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए दिया गया स्त्री, वी दिया गया बच्चे, सी दिया गया व्यक्तित्व और डी दिया गया उक्त सभी। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 के लिए, बताएं प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बता दीजिए, बताएं संयुक्त परिवार में किसका समुचित विकास नहीं हो पाता है, बताइए। तो सभी लोग याद रखना प्रश्न नंबर 22 का क्या हो जाएगा, 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, आधुनिक युग में किसका तेजी से विघटन हो रहा है। ऑप्शन ए दिया गया संयुक्त परिवार, वी दिया गया है एकल परिवार, इन्हीं दोनों में से बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई प्रश्न नंबर 23 के लिए बता दें सभी लोग सही आंसर क्या होगा, बताएं सभी लोग बताएंगे। तो भैया सभी लोग याद रखना 23 का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, ठीक है
किसका विघटन हो रहा है? संयुक्त परिवार का। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? ऑप्शन ए दिया गया संयुक्त परिवार की, वी दिया गया समाज की, सी दिया गया एकल परिवार की और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 के लिए, बताओ। प्रश्न नंबर 24 के लिए बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? तो सभी लोग याद रखना, एकल परिवार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकल परिवार की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया गया है, कौन एक जैविकी प्राणी है? ऑप्शन ए दिया गया मनुष्य, वी दिया गया परिवार, सी दिया गया संस्था और डी दिया गया नगर। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 के लिए, बताएं। बताइए भाई प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य एक जैविक प्राणी है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया गया, भारत में मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया गया खासी जनजाति में, वी दिया गया गारो जनजाति में, सी दिया गया है केरल में, डी दिया गया उक्त सभी में। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दो भाई। प्रश्न नंबर 26 के लिए बताएं, भारत में मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सभी लोग याद रखना, ये सभी में, केरल में भी पाए जाते हैं, खासी गारो खासी जो जयंतिया परिवार होती हैं इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया गया है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन है? ऑप्शन ए दिया गया सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, वी दिया गया सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, सी दिया गया है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का, और इसमें एक ऑप्शन छूट रहा है भाई। दिया गया सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 के लिए, बताएं। तो सभी लोग याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। दिया गया भैंस के बच्चे को कहते हैं, ऑप्शन ए दिया गया बछड़ा, वी दिया गया पडरू, सी दिया गया पिल्ला और डी दिया गया मेमना। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भैंस के बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए सभी लोग, बताएं सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, यहाँ पर पडरू कहते हैं, क्या कहते हैं भैंस के बच्चे को, पडरू कहते हैं, या फिर कहते हैं ना पडरा है, पडरी है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मामा की पत्नी हमारी होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए दिया गया नानी होगी, वी दिया गया बहन होगी, सी दिया गया बुआ होगी, डी दिया गया मामी होगी। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 के लिए, बताओ। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बता दें। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, यहाँ पर 29 का डी आंसर सही हो जाएगा, मामी। क्या हो जाएगा? मामी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न दिया गया है, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। ऑप्शन ए दिया गया कबड्डी, वी दिया गया क्रिकेट, कबड्डी क्रिकेट खो खो लूडो। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 30 के लिए बता दें सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कबड्डी क्रिकेट खो खो लूडो। तो सही आंसर हो जाएगा, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं लूडो, वो बिल्कुल सही है, डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, लूडो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे।
ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग बताएंगे भाई, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आज कमेंट नहीं पढ़ पाए हम सभी की, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कल से सभी की कमेंट पढ़ सकेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई, क्योंकि हमने बताया था हम बाहर हैं, ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए एकदम से, और सभी लोग तैयारी करेंगे सीटेट की भी और अपने एग्ज़ामों की भी और बाकी एग्ज़ाम की, और सभी लोग आया करो सुबह 9 बजे EBS की क्लास होती है जो कि प्रेजेंट टाइम में है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है सीटेट की, और 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, और शाम को 8 बजे CDP की क्लास होती है, सभी लोग आया करो उसमें, ठीक है। चलिए भाई, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।